आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। आज केसीआर साहब के सदारत में केसीआर साहब के आदेश अनुसार और केसीआर साहब आशीर्वाद लगा के मेरे को अब पांचवा बार एमएलए खड़े रहने के लिए बीआरएस पार्टी कार का निशान का बीपान देके मेरे को अदलाबाद जनता के सामने भिजाए। आज 8 तारीख के दिन मैं नामिनेशन डाल के आने के बाद आप लोगों से बात करने का, पब्लिक को अपील करने का है, जो हमारे साथ में आए हमारे बीसीआर साहब का सरकार के जो स्कीमों के लिए पैसे लगा रहे वो गरीबों के घर तक पहुंच गए, हर घर तक पहुंच गए। कौन सा भी स्कीम जाके हमारा जो पार्टी के लीडर्स जो ग्रामस्थाई के रामशाह का हों दो, गांव के सरपंच हों दो, एमपीटी से हों दो, टाउन में हमारा वार्ड के वार्ड शाह का प्रेसिडेंट हों दो, जनरल सेक्रेटरी हों दो, सेल एससी सेल बीसी सेल या ऐसा पूरा मिला दिए तो हमारा महिला सेल, ये लोग पूरा घर घर को जाके पूरा हम लिस्ट बनाए। कौन सा आया, कौन सा घर में न्यूट्रिशन किट आया, कौन सा घर में डिलीवरी महिला को जो 3 महीने गर्भवती से लेके डिलीवरी हुए तक 6 महीने के बाद आरोग्य लक्ष्मी कार्यक्रम में कितने लोगों को हम बेनिफिट करें, पूरा ये पूरा लिस्ट लेके हमारा लीडर्स गांव में, गांव के लीडर्स टाउन में, जो वार्ड के लीडर्स हर घर घर को जाके आप बोले जैसा ये काम तो हमको मालूम है केसीआर साहब करे सो काम है, बिल्कुल हम केसीआर साहब को वोट डालेंगे। हम बोल रहे ये स्कीम ही नहीं, अभी जो तीसरा टाइम सीएम केसीआर साहब कैसा भी बन रहा, बनने के बाद भी अभी जो हम जो पेंशन दे नया इलेक्शन जो मैनिफेस्टो हम घोषण पत्र जो रिलीज दिया गया वो घोषण पत्र में गरीबों के लिए जो रईत बंधु रईत बीमार बेचारा जो जमीन नहीं है जो लैंडलेस पूरे जो जमीन नहीं है सो गरीब लोग है उस वास्ते वो लोग भी बेचारा नाराज, क्यों तो काश्तकार को आने को कोई ऐतराज नहीं है, काश्तकार को आना चाहिए, काश्तकार अनाज निकल के सबको खाना तो मिल रहा, पर हम भी गरीब है, हम भी गोरे मर गए तो कुछ तकलीफ हो रहा। बोले तो केसीआर साहब वो भी समझने के बाद अभी जो जमीन नहीं है उस वाले को भी राज्य में 93 लाख फैमिलीज को देने का ऐलान करे, जो गरीब से गरीब है, जो एक घुंटा भी जमीन नहीं है, जात पात का संबंध नहीं है, ऐसा लोगों को 5 लाख बीमा देने का और 5 लाख बीमा का प्रीमियम LIC में खुद सरकार का पैसे, ये भी एक नया स्कीम है। और सौभाग्य लक्ष्मी बोलते लोग समझ रहे, वो वृद्धापा पेंशन अलग है, वो अंतरी महिला पेंशन अलग है, वो मर्द मर गए तो औरत को आने का वो पेंशन अलग है, वो पेंशन छोड़ के जो 57 साल से नीचे जो शादी होने के बाद उन्होंने एक घर का मालिकिन बनता हमारा बहन हमारा बेटी, वो बेटी के लिए वो लोग भी खर्चा रहता, नमक होना मिर्ची होना सब होना, बोले तो उम्र वाले को तो परेशान रहता होगा, मगर ये बेचारा गरीब लोग भी रहते, ये लोगों के लिए नया स्कीम सौभाग्य लक्ष्मी।
नाम लगा के ये लोगों को भी 3,000 हर महीना ये पेंशन अलग है, वो पेंशन अलग है, वो 5,000 16 पाँच साल में हो रहा वो अलग है, वो 57 साल से ऊपर जो उम्र है वो लोगों के लिए दे रहे। ये लोग ये जो स्पेशली मैरिड है, मैरिज होने के बाद शादी होने के बाद ये घर में फैमिली मेंबर बनने के बाद अर्निंग मेंबर बनने के बाद वो लोगों को भी देना बोल के ICR साहब इलेक्शन घोषणा पत्र में लगाया, वो भी पब्लिक के पास जा रहे। ऐसा चावल मोटा चावल बंद करके अभी काश्तकार 24 घंटे करंट KCR साहब देने के बाद वो भी धान का फसल ज़्यादा आ रहा, दूसरा देश में दूसरा राज्यों में जा रहा। फिर अपना जो काश्तकार पसीना से मेहनत करके निकल रहे वो गरीबों को भी बारीक चावल देना बोल के वो भी डिसाइड कर लिए। और गैस का भाव नरेंद्र मोदी साहब ने बढ़ाया, वो बढ़ाना कम करना, डीजल का पेट्रोल का जो महंगाई के बारे में कम करना ज़्यादा करना ये नरेंद्र मोदी के हाथ में। अभी 300% रेट बढ़ा दिए नरेंद्र मोदी, उस वास्ते KCR साहब हमारा बहनों के ऊपर माताओं के ऊपर प्रेम से प्यार से अगर कितना भी केंद्र सरकार बढ़े तो भी हम राज्य सरकार से सब्सिडी दे के हर एक हमारा माता को बहन को सबको 400 रुपये को गैस सिलेंडर सप्लाई करने के लिए भी घोषणा पत्र में हम लिख के पूरा रिलीज कर दिए। और ये नहीं आरोग्यश्री बेचारा गरीब लोगों को अमीर लोग तो धनवान लोग तो कौन सा भी बड़ा हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट कर ले सकते, मगर गरीब लोग कितना परसेंट है, 90% लोग SC ST BC माइनॉरिटी OC में भी गरीब लोग रहते। वो लोगों के लिए स्पेशली जब कांग्रेस हुकूमत ने जब 202 लाख दिए थे आरोग्यश्री, हम 5 लाख करे पर 5 लाख भी फैमिली में बस नहीं हो रहा, उस वास्ते एक फैमिली के खर्च के लिए अगर कभी भी बीमार आए तो पूरा टोटली 1 रुपया भी गरीबों के जेब में देना नहीं, पूरा सरकारी देता बोल के 5 लाख को 15 लाख तक भी बढ़ाए, ये भी आरोग्यश्री। अभी काश्तकारों को रईत बंधु 16,000 कर 16,000 रुपये एकड़ को बोले तो फर्स्ट ईयर 12,000, ऐसा साल को 1,000 बढ़ते 5 साल में ये 16,000 एकड़ को काश्तकार को रहा। और जो 2016 पेंशन ये अभी 5,016 5 साल में होता, एक एक साल को 500 500, फर्स्ट ईयर में 316 होता, ये 5 साल में ये भी 5,016 होता। और जो लंगड़े लुल्ले अंधे लोगों को हैंडीकैप लोगों को ऑलरेडी उन लोगों को 416 हो गए, 4,016 कर दिए, वो लोगों को भी 6,016 तक 5 साल में करने का घोषण पत्र हम रिलीज करके मराठी में दिए, उर्दू में दिए, तेलुगु में दिए, हिंदी में भी दिए, जो लोगों को भाषा आता वो भाषा में हम प्रिंट करके हर घर 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 जाके हमारे महिला लीडर्स और यंग स्टार्स पूरे हमारा जो यूथ जो लीडर्स है जो यूथ कमेटी है ऐसा पूरा मिलकर जाके दे रहे। ये पूरा बोलने के बाद घर घर को जाके पहुँच अगर स्कीम्स और देने का स्कीम्स पहुंच गए तो ये पार्टियों का एक पार्टी को डिपॉजिट नहीं आता, मैं चैलेंज कर रहा हूँ डिपॉजिट भी नहीं मिलता। हम आदिलाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम हर पब्लिक से विज्ञप्ति विनंती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, इतना काम करके फिर तीसरा बार भी CM बने तो हम और नया नया स्कीम्स ला रहे, ये KCR साहब के ऊपर पब्लिक को भरोसा है, उस वास्ते मैं पब्लिक से जनता से वोटर महाशय से मैं गुजारिश कर रहा हूँ पूरा लोग कार को डाल के तीसरा बार भी KCR साहब को CM बनाओ। और CM बनना बोले तो यहाँ मैं भी जीतना पड़ता, मेरे को भी कार के निशान के ऊपर वोट डाल के जिताओ बोल के मैं आदिलाबाद जनता को गुजारिश कर रहा हूँ।